अस्सलाम वालेकुम, आज स्पेशल सूरत की रेसिपी बन रही है सूरत वाले के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा जबरा सलाम है भाई तुम्हारा। आज हांडी भी जबरी है, गुजरात की स्पेशल। या मैं इसका रेसिपी आपको डालूंगी, बहुत स्पेशल है, बनाना जरूर। और आज हम खाना खाने के बाद कहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए खाना बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। वहाँ से आवाज है 10 बार आ चुकी है, अब आदमी खुद आ चुका है कि बना के नहीं बना। अरे मुंह में पानी आ रहा है, खुशबू सुन। एक बार नजर मार लो, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो अभी तो ये आधा बना है, अभी तो बहुत बाकी है। इसमें कुछ स्पेशल गुजरात की चीजें ऐड होने वाली है, उस तरीके की कुछ रेसिपी बनने वाली है, तो इंशाल्लाह वो मेरे किचन चैनल पे आपको जरूर दिखेगा। जरूर देखना है। खा रहा ना एक रोटी, निकालो सालन। ये मेरा है, देख लो। कैसा लगा टेस्ट? एकदम मसाला कैसा लगा? मस्त है, जो मेरा दीदी का एकदम टेस्टी मस्त है। दीदी और बड़ी मम्मी ने बना के दिए, ले ओ ले ली। इसका टेस्ट कैसा है? नहीं डालते, ऐसे नहीं डालते सालन। हाँ ओ भाई, कैसा लग रहा है? अगर देख कैसा लग रहा है पूछो मत। भाई को देख, चलो भाई को देख, बोलते इस पे सालन डाले। कोर रोटी है क्या? देख तो जरा, कोर रोटी बोलो ऊपर सालन। ये तरी देख भाई, तरी भाई और डेडी को तरी दे, देख लबरेज सब सेम हो गए इधर। आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। बाबा जलाओ क्या? अच्छा मेरे को जलाइए। अबे अबे रंटाक, आग को आग लगा रहे रंटाक। रंटाक आग को आग लगाता है, चिंता हो जाएगी। हो गई, कुछ बाकी है? नहीं नहीं ना, जा रहे। मैंने क्या कहा था, खाना खाने के बाद हम जाने वाले कहीं घूमने के लिए, काम के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। इसका रिजल्ट आपको निकलेगा बाहर सबका। मेरे को तो लगा सिगरेट दे रहे, बोले ले जला तू भी आज मेरे साथ। 6 बजे निकले घर से अभी हम लोग, और पहुंचते कब है बॉम्बे ये नहीं मालूम। वैसे मुझे बॉम्बे जाना कभी पसंद नहीं है, बच्चों के कुछ भी काम होता तो बच्चों को बोलती तो बच्चे मेरे कर देते, पर अयूब के साथ टाइम एक्सप्लेन करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं गई अयूब के साथ। वहाँ पे रास्ते में शिवसेना का डेकोरेशन देखी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फ्री का ही चार्जिंग है, इसमें कोई अपने को कुछ भी चार्ज नहीं लगने वाला है, और आप छोड़ दो बस चार्ज लगा के। चलो अभी जाके पहले चाय पीकर आते हैं। और हम गए थे एथर से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है हमको, तो वहाँ पे चार्जिंग भी हम लोगों को मिल गया था, तो चार्जिंग लगा के हमने काफ़ी अच्छा टाइम एक्सप्लेन किए, चाय पिए, मार्केट घूमे। और वो जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ना अलमास, वो मेरी बेटी का नाम है जो सूरत में रहती है, उसका नाम है अलमास। तो अयूब को मस्ती कर रही थी कि अयूब को बोली कि मैं अलमास को फ़ोन करती हूँ कि देख तेरे बाप ने तेरे नाम पे यहाँ पे होटल बना के रखी है। और उसी के बीच बीच में जब हमने चेक किया तो हमारी गाड़ी भी अच्छी खासी चार्ज हो चुकी थी। फिर हम गाड़ी को लेके निकले बाहर जाने के लिए। बाहर जाने का मतलब, जैसे हम तो गए थे काम से भी और अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने, तो अयूब मुझे बोले चल गोरी तुझे लेकर चलता हूँ गेट ऑफ इंडिया। मैंने बोला नहीं भैया, मुझे डर लगता है कहीं इसकी चार्जिंग फिर नहीं उतर जाए। तो उतने में अमीन का फ़ोन आया, बोला मैं यहाँ से पूरा देख रहा हूँ कहीं नहीं उतरने वाली है चार्जिंग, जाओ मम्मा घूम कर आओ, और कहीं भी अगर गाड़ी बंद पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ जाके आप चार्ज कर सकते हो। और मीनारा मस्जिद से जैसे ही निकली, लोगों की तो इतना मतलब सलाम के साथ लोग बाजू से गुजर रहे थे आपस, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग इस तरीके से रिस्पेक्ट से मिलते। और ये है सैफी हॉस्पिटल, बॉम्बे की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी जो बैरेटिक सर्जरी हुई है ये सैफी हॉस्पिटल में ही हुई है। और उसके बाद जब हम गुजर रहे थे तो वहाँ पर अयूब को दिख गया नेचुरल आइसक्रीम। जैसे मैं बताती हूँ ना आपको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको पता है कि मुझे कुछ ऐसी गिनी चिनी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो आइसक्रीम के बहाने से अयूब उतार दिए थे, पर मुझे लगता है अयूब को सिगरेट की तलब ज़्यादा लगी थी। तो फिर मैंने और अयूब ने आइसक्रीम तो खाई खाई, उसके बाद अयूब ने भी सिगरेट पी। फिर वहाँ से हम माहिम होते हुए गुजरे। ये देख रहे हो जो लोगों का यहाँ पे बहुत सारा जमेटा, तो आपको देख के तो लग ही रहा होगा कि लोगों का वहाँ पे कुछ ना कुछ मचमच हो रही है। ये सच बात है, क्योंकि हमारे साथ भी जो हादसा हुआ था, हमारे पर जो केस बना था झूठा केस, इसी तरीके से लोगों ने हमें बुलाया सेल्फी के लिए, खड़ा किए और हमारे पर एक झूठा केस बनाया गया था माहिम में। उस तरीके से सच चीज़ें होते होते हम पहुँचे अंधेरी, और अयूब का बॉम्बे से मेरे से पीछे लगे थे, कुछ नहीं खाएगी गोरी कुछ नहीं खाएगी। मैंने बोला अच्छा चलो बाबा कुछ खा लेते। तो वहाँ पे था मैकडी, बर्गर किंग और KFC। तो अयूब को
आयुब ने बोला जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगा, क्योंकि आयुब ये सब खाते नहीं है। अब जैसे कि आयुब ने मुझे बोले मैं खाऊंगा, तो आयुब के लिए स्पेशली मैंने फिर चिकन बर्गर ली, और वो फिश नहीं खाते, तो मैंने अपने लिए लिया था फिश फिले, और उसके साथ नगेट्स लिए थे, उसके साथ में वेजीज लिए थे। पर मैं बहुत कम खाती हूँ, तो अयूब मेरे को बोले अब मेरे जान पे सब मत डालना, तो मैंने उनकी कंपनी के लिए जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा खाई हूँ, और मेरा इन दिनों वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो रहा है। तो जो फिश फिले था वो मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे भी मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो बच जाता है, या फिर बचने के साथ कुछ एक्स्ट्रा ले लेती हूँ कि रास्ते में कोई दिखे तो उनको दे दूँ। पर रात काफ़ी हो चुकी थी, 1 से 1.5 बज गया था, तो मैंने बोला नहीं ये जाके बच्चों को दे देती हूँ। अली फिश। क्या है? फिश फिले। ओ ले अम्मी खाओ, डाइट कर दे, पर खाना ही तुम लोग खाओ। थैंक यू। व्हाई थैंक यू? अपना फूल आज चीट हो गया है क्या?